दो स्पून चावल ले लेंगे। अब इसे अच्छे से दो पानी से धो लेंगे। ये मैंने छोटा राइस लिया हुआ है, इसीलिए मैं इसे मिक्सर में नहीं पीस रही हूँ, डायरेक्ट पकने के लिए छोड़ दूँगी। नहीं तो क्या होता है ना, कोई कोई लोग मिक्सर में भी पीसते हैं, सिलबट्टे पे पीसते हैं। इसे मैंने दो बार पानी से धो लिया है। अब इसे मैं पतीले में डाल के पकने के लिए छोड़ दूंगी। आधा गिलास पानी डाला है मैंने चावल को पकने के लिए। ये मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। इसे अब मैं पकने के लिए रख दूंगी गैस पर। जैसे स्टीम राइस बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसा। इसमें थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, एक चुटकी, ताकि मीठा कुछ भी अगर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा नमक ऐड कर दे तो स्वाद थोड़ा और बढ़ जाता है। इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने आधा लीटर दूध लिया हुआ है और मैं पॉलीथीन में भी पानी डाल के धो के ले रही हूँ, ताकि कुछ वेस्ट ना हो। दूध को उबाल आने के लिए रख देते हैं। यहाँ हमारे राइस कितने पक गए देखते हैं। तब तक राइस पकने में आ गए हैं। हम इसे दबा के देखते हैं। राइस हमारे 80% पक चुके हैं। अब दूध में उबाल आए तब तक हम काजू बादाम काट लेते हैं। आपको जो डालना है आप वो डाल सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता चारोली। मैं यहाँ सिर्फ काजू बादाम डाल रही हूँ। मैंने 3 काजू ली है, 3 बादाम लिए हैं। ये 2 टेबलस्पून हो गए हैं। ये इलायची पाउडर है जो मैंने पहले से पीस के रखा हुआ है। दूध में हमारा उबाल आ चुका है। अब हम दूध को राइस में डाल देंगे। ये मैंने आधा स्पून घी डाला है, देसी घी स्वाद के लिए। और ये मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। ये काजू बादाम भी डाल देंगे। इलायची पाउडर भी डाल देंगे और अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये दूध में पकेंगे चावल। आप देख सकते हैं अभी ये थोड़ा पतला है,
जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ये घट होते जाएगा। इसे ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट में ये पक जाएंगे। दस मिनट बाद ढक्कन हटा के देखेंगे कि हमारे राइस पक चुके हैं क्या। ये 3 टेबलस्पून मैं शक्कर डाल रही हूँ। आप मीठा आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये देखिए अब कितना घट हो गया है। ये मेरी खीर बनके तैयार हो चुकी है।